बटन कैसे लगाते हैं, यानी आप बहुत सारे ऐसे वीडियो को देखा होगा जो कि वीडियो में कहते हैं कि आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, यानी एक तरह से ये जो आई बटन है इस ये वीडियो को ऐड करने का ऑप्शन, यानी किसी आप अपने चैनल के वीडियो को आई बटन में लगा सकते हैं। आई बटन में आप जैसे लगाइएगा तो उस पर आई बटन का ऑप्शन जब वहाँ आपके सामने में ऊपर में आता है उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वो वाला जो वीडियो है, जो वीडियो आई बटन में लगाया है, वो वीडियो को आप इजी तरीके से देख पाते होंगे, तो इसे आई बटन कहते हैं। तो इस तरह जो आई बटन अपने वीडियो में कैसे लगाते हैं, यानी जितनी भी आई बटन अपने वीडियो में लगाना चाहें, जितनी वीडियो आप लगाना चाहें आप आसानी से आई बटन के थ्रू लगा सकते हैं। यानी आई बटन का जो ऑप्शन है ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। आप अपने पुराने वीडियो पे भी व्यूज ला सकते हैं, नई वीडियो पर भी व्यूज ला सकते हैं, आप बता सकते हैं आपके जो ऑडियंस है उसे भी आप बता सकते हैं कि आई बटन में आप अगर आपको वीडियो देखना, जैसे कोई भी आपका इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो है जो कि आप अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि मेरे चैनल पर वो वीडियो है, लेकिन आप चाहे तो वो आई बटन में लगा सकते हैं, यानी आपके जो ऑडियंस है उसे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, यानी ज़्यादा उससे प्रॉब्लम ना हो, जैसे डायरेक्टली वो वीडियो को जो आपने बताया उस वीडियो को देख पाएगा। तो आई बटन में आप उस वीडियो को लगा दीजिएगा तो इससे होगा कि आपके ऑडियंस जो आपके व्यूवर्स जो है वो उस वीडियो को डायरेक्टली आई बटन से भी क्लिक करके देख पाएंगे। इस तरह आप आई बटन पे लगा सकते हैं, यानी किसी दूसरे वीडियो को भी आप अपने आई बटन में लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपरली बताएंगे ताकि आप भी अपने वीडियो में आई बटन लगा पाए। तो चलिए आपको मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलते हैं ताकि आप भी जान पाए। सो फ्रेंड, आपको करना है क्या कि अपने चैनल को क्रोम ब्राउजर पे डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना। सिंपली यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर पे डेस्कटॉप मोड पे ओपन करेंगे। सिंपली YouTubeStudio.com लिखें, उसके बाद सिंपली डेस्कटॉप साइट पे यहाँ पे क्लिक किए। डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देने के बाद सिंपली हमारे सामने में यहाँ देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन, यहाँ देख सकते हैं लॉगिन पे हमें क्लिक कर देना। डेस्कटॉप साइट पे अपने चैनल को ओपन करना। अगर आप डेस्कटॉप साइट पे अपने चैनल को ओपन नहीं कर पा रहे तो हमें कमेंट में बोलिएगा, हम आपको प्रॉपरली एकदम क्लियरली बता देंगे ताकि आप आसानी से डेस्कटॉप साइट पे अपने चैनल को लॉगिन कर पाएँ, ओपन कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे हम अपने चैनल को ओपन कर लिए। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या, यहाँ देख सकते हैं वीडियो वाले साइट में देख सकते हैं वीडियो वाला सेक्शन बना हुआ, एक साइड में देख सकते हैं वीडियो वाले सेक्शन बना हुआ। तो सिंपली आपको करना क्या है, वीडियो वाले सेक्शन पे है कंटेंट पे क्लिक कर देना है। नीचे देख सकते हैं कंटेंट पे क्लिक किया, कंटेंट पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने में देख सकते हैं यहाँ वीडियो आपके चैनल का सारा वीडियो यहाँ पे चले आएगा। सिंपली जिस वीडियो में आपको आई बटन लगाना सिंपली उस पर क्लिक कर देना। आप नए वीडियो में लगा सकते हैं, पुराने वीडियो में लगाना, यानी आपके चैनल के जितनी भी वीडियो उन सारे वीडियो पे आप लगाना चाहें तो आसानी से आप लगा पाएंगे। सिंपली एक चैनल पे हम आपको लगा के दिखा देते हैं, एक वीडियो पे सिंपली ये वाला रसोई चैनल किस कैटेगरी में आता है, सिंपली इसी पे हम आई बटन लगाएंगे। सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देने के बाद सिंपली एडिट वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर चले आएंगे। ऑप्शंस में आ जाने के बाद सिंपली हमारे सामने में देखिए वीडियो का पूरा डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सिंपली हमें करना क्या, आई बटन लगाना है हमारे वीडियो में। सिंपली ऊपर में वीडियो का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ एक साइड में देख सकते हैं यहाँ कार्ड्स का ऑप्शन देख सकते हैं, पेंसिल या कार्ड्स के सीधे पेंसिल का ऑप्शन बना हुआ। सिंपली आपको आई बटन लगाने के लिए सिंपली यहाँ पेंसिल पर क्लिक कर देना है कार्ड्स के सामने में। जैसे आप पेंसिल पे क्लिक कीजिएगा जो आपका जो वीडियो है इस तरह यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको जूम आउट करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। चलिए आई बटन लगाने के लिए सिंपली ये सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लकीर देख सकते हैं, ये ब्लैक टाइप का एक लकीर है, ये लकीर को हम इधर उधर करके दिखा देते हैं। इस लकीर को आप जहाँ पर रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको लगाना है आई बटन इस जगह पर, तो इस जगह इस लकीर को कर लेना। उसके बाद हमें करना है क्या, एक साइड में देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको जूम आउट करके दिखा देते हैं, या कार्ड प्लस कार्ड का ऑप्शन देख सकते हैं। सिंपली आपको प्लस कार्ड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने में यह चार ऑप्शन देगा, आई बटन में आप चार ऑप्शन चार से यानी चार तरीके से अपने लगा सकते हैं। फर्स्ट में वीडियो, सेकेंड में है प्ले लिस्ट, उसके बाद है चैनल, उसके बाद लिंक, यानी वीडियो को भी आई बटन में लगा सकते हैं। अपने प्ले लिस्ट आपके चैनल का जो प्ले लिस्ट है उसे भी आप अपने आई बटन में लगा सकते हैं। उसके बाद चैनल का ऑप्शन है, आप चैनल को भी लगा सकते हैं अपने चैनल को, जैसे उस पर क्लिक करेगा आपका चैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, इस तरह आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है लिंक, आप अपने लिंक को भी इस वीडियो में आई बटन में लगा सकते हो। सिंपली हम आपको यहाँ पे वीडियो लगा के दिखा देंगे, सिंपली वीडियो पे हम क्लिक करेंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में जो हमारे चैनल के वीडियो यहाँ पे सारा का सारा शो हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ दो ध्यान दीजिएगा पूरा का पूरा, यानी यहाँ पे आई बटन आप अपने चैनल के जितने भी सारे वीडियो है उन सारे वीडियो को भी आप लगा सकते हैं आई बटन में। जो वीडियो आपको पसंद आए वो वीडियो को आप लगा सकते हैं। और अगर चाहते कि हम अपना दूसरे चैनल के वीडियो को यानी किसी और के वीडियो को हम अपने वीडियो का आई बटन में लगाए तो वो भी आप लगा सकते हैं। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ देख सकते हैं, सर्च वीडियो फ्रॉम अदर चैनल्स, यानी अदर चैनल्स कोई भी चैनल्स की वीडियो को आप यहाँ पे सर्च करके उस वीडियो को ऐड कर सकते हैं अपने आई बटन में। इस तरह अपने चैनल्स के वीडियो को भी आप सर्च कर सकते हैं। सिंपली चलिए हम आपको अपने चैनल्स की वीडियो को आई बटन में लगा के दिखाएंगे। सिंपली अपने चैनल्स पे वीडियो क्लिक कर देना,
इस तरह सर्च योर वीडियो, यानी आप जैसे मान लीजिए आपके चैनल पे 200 या 300 वीडियो हैं, तो आपको उन सभी वीडियो में सब आपको एक एक करके चेक करना होगा। तो सिंपली एक तरीके से आप डायरेक्टली उस वीडियो को ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे आपके चैनल के जो भी वीडियो, जैसे मान लीजिए आप अपने चैनल पे बता रहे हैं कि चैनल कैसे बनाते हैं यूट्यूब पे, तो उस तरह का वीडियो अगर आपने बनाया है तो यहाँ पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, यानी हाउ टू क्रिएट चैनल, यानी जो आप अपने वीडियो का टाइटल रखेंगे वो टाइटल यहाँ पे सर्च कीजिएगा, तो आपके सामने में आपका वीडियो यहाँ पे शो हो जाएगा। सिंपली एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए चलिए क्रोम, चलिए क्रोम ब्राउजर डेस्कटॉप साइट पे, चलिए डेस्कटॉप साइट लिख देते हैं, डेस्कटॉप लिखे जैसे ही हमारे सामने में देखिए एक शॉर्ट्स वीडियो है जो डेस्कटॉप अपने यहाँ देखते हैं अपने मोबाइल में डेस्कटॉप साइट कैसे ओपन करते हैं। ये वीडियो है मेरा शॉर्ट्स का, यहाँ पे ये चले आया, तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे वो वीडियो वहाँ पे लग जाएगा इस तरह। चलिए एग्जाम्पल हम क्लिक करके देखते हैं, इस तरह हम क्लिक करेंगे, देखिए ये वीडियो यहाँ पे चले आया। चलिए आपको अपने मोबाइल में डेस्कटॉप साइट कैसे ओपन करते हैं, यहाँ देखिए ऊपर में ये चले आया इस वीडियो, जैसे ये मान लीजिए ये आई बटन यहाँ पे लग चुका है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आप इस आई बटन को थोड़ा सा आगे पीछे करना चाहें तो उसे भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या, इस जो ब्लू टाइप का जो लगा है इसे आपको एक साइड अपने उंगली की मदद से इसे एक साइड से आगे पीछे भी आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए एक वीडियो इस तरह आप आई बटन लगा सकते हैं, उसके बाद और भी लगाना चाहे तो सिंपली चलिए ये ब्लैक वाला जो है यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं, तीनों का अलग अलग थोड़ा सा दूर दूर में लगे। सिंपली फिर से यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से एक वीडियो को ले लेते हैं। सिंपली ये वाला वीडियो को ले लिए, उसके बाद इस तरह ले लेने के बाद जैसे जितने वीडियो आप यहाँ आई बटन लगाना चाहें वो आसानी से लगा सकते हैं। ऊपर में देख सकते हैं आई बटन का ऑप्शन चले आया, तो उसके बाद सिंपली आपको करना क्या, लगा लेने के बाद सिंपली आपको करना सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपका जो है वीडियो पे आई बटन लग चुका है। आप उस वीडियो को जिस वीडियो में आई बटन लगाए हैं आप चेक के लिए जानकारी के लिए आप उस वीडियो को ओपन करके देखिएगा, जहाँ जहाँ आप अपने आई बटन को लगाए हैं वहाँ वहाँ आई बटन आपका वहाँ पे शो हो जाएगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता हो तो हमें कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।